Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today we will revise chapter number 4 as we have the test of chapter number 4 on 21st of May. So let us start. This is chapter number 4, quadratic equations. We are going to revise this chapter. Today we will discuss these important points of chapter number 4. The first one is factorization method. The second is quadratic formula, the third is completing square method, and the fourth is nature of roots. We have four exercises in chapter number 4, and these four topics are connected to those four exercises. So the first topic is factorization method. Like humne ek quadratic equation li hai, 3x square minus 5x plus 2 is equals to 0. Hum isko factorization method se iske factor jo hai hum banane ja rahe hai. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप सभी को आता है, हम इसको 8th क्लास से सीखना शुरू कर देते हैं. 3 2 सा 6, तो आपको ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो और वैसे हमारे पास क्या आता हो, 5 आता हो. तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3x -2x, -3 और -2 कितना होता है -5. सो 3x स्क्वायर -3x -2x +2 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में से 3x कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 1, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1. तो फैक्टर हो गए x माइनस 1 एंड 3x माइनस 2. तो x की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3. अब हमारे पास सेकेंड मेथड है. फर्स्ट हमने डिस्कस किया फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इक्वेशन हम यही लेंगे और इसको हम तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि तीनों से हमारा आंसर सेम आएगा. तो इक्वेशन है ये 3x square minus 5x plus 2 is equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equals to 0. a की वैल्यू हो गई 3, b की हो गई -5, c की हो गई 2. d मतलब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b square minus 4ac. b है -5 का स्क्वायर -4, a है आपके पास 3 और c है आपके पास 2. तो -5 का स्क्वायर दैट इज 25, -4 3 जा 12, 12 2 जा 24. तो 25 -24 कितना आ गया, 1. तो d निकल गया 1. x फॉर्मूला हमारे पास होता है -b plus minus root d upon 2a. minus as it is, b की वैल्यू ये है आपके पास -5 plus minus d है 1, root 1 upon 2a, 2 as it is, a की वैल्यू है 3, यहाँ लगा दिया 3, minus minus plus, this is 5, plus minus root 1 हो गया 1, 3 2 जा 6, क्योंकि यहाँ पर दो साइन है, एक प्लस का, एक माइनस का, एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, 5 plus 1 upon 6, 5 minus 1 upon 6, 5 plus 1, this is 6/6, 5 minus 1, this is 4/6, 6 से 6 आप कट कर देंगे तो आ जाएगा 1. इसको 2 के टेबल पे कट करिए, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. तो आंसर आया 1 and 2/3. तो फर्स्ट मेथड से भी आंसर यही था 1 and 2/3, सेकंड मेथड से भी आंसर यही है 1 and 2/3. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द थर्ड मेथड, दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द थर्ड मेथड दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है बेटा, वो ये होता है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, 1. 1 बनाने के लिए हम सभी टर्म्स को 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 से 3 कैंसिल, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0. सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है x का कोफिशिएंट देखना होता है. x का कोफिशिएंट है -5/3. x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से और उसका करते हैं होल स्क्वायर. दिस इज आवर स्टेप नंबर 2. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, x के कोफिशिएंट को देखना होता है, x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर करते हैं. तो ये होगा -5/6 का स्क्वायर, दिस इज 25/36. ये जो नंबर आता है, इस नंबर को हम इसमें ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं. तो देखिए, हम यहाँ पर इस नंबर को ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इस नंबर को
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स तो हमने लेनी ही लेनी है, ये दो टर्म जो है हम लेंगे ही लेंगे, और जो टर्म हमने ऐड की है वो हमें लेनी है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी लेनी है, जो टर्म हमने ऐड की है, सब्ट्रैक्ट वाली नहीं लेनी है, ऐड वाली लेनी है। तो ये हमने ले ली, ये तीनों टर्म आपकी एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी, फिर प्लस लगाएंगे और अगली ब्रैकेट में जो दूसरी बची हुई टर्म्स हैं वो सब आ जाएंगी। कौन कौन सी बची हुई हैं, एक तो प्लस का 2/3, एक माइनस का 25/36। सो 2/3 माइनस 25/36। तो आप देख सकते हैं ये आपका एक होल स्केयर बन जाएगा, जैसे कि मेथड का नाम ही यही है, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो ये आपका एक कंप्लीटिंग स्केयर बन जाएगा, किसका, x माइनस 5/6 का होल स्केयर। आप इसको खोल करके देख लीजिएगा, ये यही आएगा, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। आप इसको आइडेंटिटी से ओपन करके देखना, ये इसी का होल स्केयर बनेगा, ठीक है। और प्लस, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिए, 36 एलसीएम, 3 को 36 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 12 12 2 24 माइनस 25। तो अब देखते हैं हम आगे कि क्या होगा। दिस इज x माइनस 5/6 का होल स्केयर एंड प्लस 24 माइनस 25 कितना होगा, -1/36। सो -1/36 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 5/6 का होल स्केयर प्लस माइनस माइनस 1/36 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5/6 का होल स्केयर 1/36, माइनस की टर्म थी राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी। स्केयर हम जब भी हटाते हैं तो राइट साइड में जाकर वो स्केयर रूट बन जाता है और उसके आगे दोनों सिंबल लग जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। सो x माइनस 5/6 प्लस माइनस 1/6। तो हम दो इक्वेशन बना लेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 5/6, दिस इज 6/6, कट करके आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ पर माइनस 1/6 प्लस 5/6, क्योंकि माइनस का 5/6 था राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का, दिस इज 4/6, सो दिस इज 2/3, दिस इज द आंसर। तो आप देख सकते हैं थर्ड मेथड से भी जो आंसर है वो सेम आया, दैट इज 1 and 2/3। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 4, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है बेटा, आपको डी निकालना होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये कैलकुलेट करना होता है, अगर डी आपका 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आ जाए, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 and 2 हो गया, 4 and 6 हो गया, कोई भी दो रूट हो सकते हैं लेकिन वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड केस है कि अगर डी 0 के इक्वल हो, अगर डी 0 के इक्वल हो तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। इक्वल का मतलब दोनों सेम, जैसे 2 2, जैसे 3 3, मतलब कोई भी दो सेम नंबर आपके आंसर आएंगे। लेकिन अगर डी आपका 0 से छोटा हो गया, कहने का मतलब नेगेटिव हो गया, तो इस केस में कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, नो रियल रूट्स। सो आपको ये तीनों केसेस याद रखने हैं। इन दोनों केसेस में आप रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि रूट्स होते ही नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, कुछ भी नहीं, तो इसलिए इस केस में रूट्स नहीं निकलेंगे। इन दोनों केस में रूट निकल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस थ्री मेथड, बाय अप्लाइंग एनी ऑफ दिस थ्री मेथड्स, फाइन। सो आई हैव गिवन यू ए ब्रीफ रिवीजन ऑफ चैप्टर 4, सो दिस इज योर होमवर्क, रिवाइज चैप्टर 4 एंड प्रिपेयर फॉर द टेस्ट व्हिच विल बी हेल्ड ऑन 21st of May, fine. So do your preparation, give your 100%, take care and bye bye.